तो गाइस ऐसे वीडियो मेरे को मन नहीं करता है शूट करने के लिए, फिर भी क्या है मिथिलांचल को सपोर्ट करना या कुछ अलग दृष्टि में देखना है म्यूजिक लाइन में, तो ऐसे वीडियो सब मेरे चैनल पे पक्का आएगा। आपको भी पता चल गया टाइटल और थंबनेल से, जी हाँ पूनम मिश्रा बहुत ही बड़ी कलाकार है अपने मिथिलांचल के, उनके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम गिराते हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर नंबर सब देकर लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे ये है, तो उसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, वैसा कैसे हो, ड्रिंकिंग अकाल बा कैसे बाडू केम चू कैमरा चो, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, जहाँ पे विष्णु बिहारी हैं। मतलब मैं फेसबुक चला रहा था, मैं पूनम मिश्रा मैम का फेसबुक फॉलो करता था, तो वहाँ पे नंबर दिया है, 3-4 नंबर दिया है और वहाँ पे लिखा है मैथिली में कि मेरे को ये नंबर वाले सब ना मेरे को परेशान करके रख दिए हैं और मैं उनको कॉल करके बात भी करता हूँ तो उन लोग मेरे को कुछ करने का मौका ही नहीं देते, बोलते हद पार कर दिया है। तो वो लिखा है कि अभी आप लोग की बताओ क्या एक्शन लेना चाहिए मेरे को, मेरे चैनल पे बिना फालतू बिना वजह का इन लोग कॉपीराइट क्लेम गिराते हैं, जिनका मैं एक कुछ बोले ना एक कुछ म्यूजिक या कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ फिर भी इन लोग मेरे को कॉपीराइट क्लेम गिराते हैं। यहाँ पे दिखता होगा स्क्रीनशॉट, देख लो एक बार, बहुत ही फालतू लगता है यार। इतना फेमस कलाकार मिथिलांचल का आन बान शान, भगवान मैं मानता हूँ उनको, अगर मिथिलांचल में कोई भी त्यौहार या कोई भी फंक्शंस होगा ना तो उनका गाना नहीं बजेगा तो वो फंक्शंस या वो त्यौहार अधूरा रह जाएगा। आप लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं यार, थोड़ा भी शर्म या थोड़ा भी ये नहीं होता है कि यार इतना फेमस कलाकार है मैं उनको कॉपीराइट क्लेम गिरा दूंगा, तो उनसे थोड़ा भी शर्म नहीं आती है? उन लोग एक यूट्यूब पर मेहनत करते हैं यार, उनका जो भी इनकम है यूट्यूब से ही आता है और स्टेज शो करते हैं यार। आप लोगों कभी उन लोग ऐसे किए हैं? आप लोग कैसे कर लेते ये चीप वाला रेट, मेरे को भी पता नहीं, शर्म आना चाहिए। चुटकी में मतलब सुरूप में पानी लेकर फूंके या कैसे बोलता हूँ मर जाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग हैं यार मिथिलांचल में। कॉपीराइट गिरा के क्या मतलब है यार, क्यों परेशान करते हो फालतू को? मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर भी कॉपीराइट आया था, कॉपीराइट क्लेम आया था। अनिल भैया का मतलब सिस्टर का मैं वीडियो डाला था, वो अच्छा खासा वायरल गया, उस पर मेरे को कॉपीराइट क्लेम आया था, फिर मैं कैसे भी करके इनकाउंटर करके उनको हटाया। यार आपका 1% भी कंटेंट नहीं रहता है, फिर भी आप लोग फेक कॉपीराइट क्लेम गिरा कर और जो भी इनकम आता है वो इनकम आप अपने तरफ क्यों करना चाहते हो? और गैस मैं कॉपीराइट क्लेम के बारे बता दूँ, कॉपीराइट क्लेम ये है कि आपका जो भी मतलब जो भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम गिराएगा उससे जो भी रेवेन्यू होगा वो उसके अकाउंट में चले जाएगा। किसके अकाउंट में? जो कॉपीराइट क्लेम गिराएगा उसके अकाउंट में। तो जो सोचो गैस इतना बड़ी मिथिलांचल का आन बान शान, मेरे लिए वो भगवान है, उनको ऐसे परेशान कर रहे हो आप लोग एक कॉपीराइट क्लेम करके। यार मदद करो उनको, आप लोग को जरूरत भी है उनको मदद करने के, बहुत लेवल में फालतू आप लोग करते हो। देखो उस कमेंट फेसबुक में आप लोग जाओ, पूनम मिश्रा सर्च करो और उनका पेज में देखो, वो कमेंट में क्या क्या लोग दिखे, क्या क्या लोग किए हैं। अगर आप 5-10-20 जने भी सपोर्ट कर देंगे तो आप लोग जेल चले जाओगे। कभी आप लोग सुने हो, ऐसे करने से पहले आप लोग एक बार रिसर्च कर लो साइबर क्राइम, एक बार जाकर गूगल में रिसर्च करो साइबर क्राइम किसको बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग कुछ भी करते हो ना तो पहले उससे पहले आप लोग से प्रूफ मांगा जाता है। आप लोग एक मेल भी क्रिएट करते हो ना, मेल ऐसे फेक नहीं होता है, आप लोग से फ़ोन नंबर या कुछ भी जिस फ़ोन से करते हो उस फ़ोन का डिवाइस और कहाँ से करते हो ना, पूरा 1 सेकंड में ये लोग पता कर सकता है साइबर क्राइम। एक बार जाकर रिसर्च करो, ऐसे मत करो यार, जेल हो सकता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर जेल जा रहे हैं, आप लोग देखते रहो यार, ऐसे चीप वाला काम कर लेते हो और छोड़ देते हो यार। छह शर्म आना चाहिए, मिथिलांचल का आगे बढ़ाओ उनको। आप लोग उनसे मेरे को लग रहा है ना किसी को प्रॉब्लम होगा, इतनी बड़ी है वो, कभी आप लोग को डिस्टर्ब किया है इस चीज़ में? सब इस चीज़ में वो गैदरिंग भी नहीं होती है, फालतू आप लोग के पास जाएंगे नहीं क्योंकि आप लोग को औकादी नहीं। मैं फिर बीपी या हाइपर तेज होगा तो पता है मैं कंट्रोल करके रखा हूँ, बस मेरे को बुरा लगता है यार। मत क्या करो ऐसे किसी के चैनल पे कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक, ये करो वो करो करके क्या मिलता है यार, आप लोग को क्या मिलता है वो बताओ? 10 जने गाली देते होंगे और आपको सामने में देखेंगे तो मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे यार। अच्छा ऐसे ऐसे लोग कहाँ से पैदा ले लेते हैं यार? अपने घर में मम्मी पापा को देखो, बीवी को देखो, बाल बच्चा को देखो, शर्म नहीं आती है?
थोड़ा भी शर्म करो यार, आगे बढ़ो यार, ये सब करके क्या मतलब है? अच्छा शर्म आना चाहिए। पूनम मिश्रा जी आपको क्या बिगाड़ा है, इतनी अच्छी कलाकार है, मैं बोल दिया ना आपको स्टार्टिंग में, जब तक उसका गाना कोई फंक्शन या कोई भी त्यौहार में नहीं बजेगा वो उनका पूरा अधूरा रहता, उनके चैनल पे आप लोग परेशान करते यार, शर्म आना चाहिए आप लोग को। एक दो रुपया के लिए कुछ भी करने के लिए गिर जाते हैं। मेरे पास आओ, मैं आपको काम दिलाऊंगा, मैं खाना दूंगा, सब कुछ दूंगा। जो स्ट्राइक मारते हो, जो कॉपीराइट गिराते हो ना, मेरे पास आओ यार, मैं पक्का 15-20 हज़ार का काम दिलाऊंगा आपको, अच्छा खासा पैसा कमाओगे आप लोग। और ये सब चीप काम करने वाला छोड़ दो, पागल आदमी सब। यही है कुछ गाइस, आप लोग अपना राय विचार बताओ और कमेंट बॉक्स भरो, आप लोग कुछ सपोर्ट करो, ऐसे क्यों करते, नहीं करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लाइक करो ऐसे ऐसे वीडियो में, तभी मेरे को मस्त रहता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो का लाइक करो, शेयर करो, फिर मिलते छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली, लव यू ऑल। सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो, लाइक होना चाहिए इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा। लव यू ऑल।